और मेरे सामने क्या कर रहे हो? शेख चिल्ली, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। क्या आप मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी की रूह निकालने आया हूँ। आप मुझे मारना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अभी नहीं मरना। शेख चिल्ली, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं किसी चींटी की रूह निकालने आया हूँ। क्या? चींटी की रूह भी आप ही निकालते हो? हाँ हाँ, हम सबकी रूह निकालते हैं, सभी में जान एक जैसी होती है, चाहे वो हाथी हो या चींटी। फरिश्ते जी, आप कौन सी चींटी की जान लेने आए हो? जो तेरे पैर के नीचे है, तू अपना पैर हटा ले वरना मैं उसे वहीं मार दूंगा, उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। मगर फरिश्ता जी, आप मुझे क्यों दिखलाई दिए? शेख चिल्ली, हम तुझे इसलिए दिखाई दिए, तू एक नेक बंदा है, अगर ये चींटी तेरे पैर से मर जाती तो तू एक गुनेगार बन जाता, इसलिए हम तेरे सामने आए। फरिश्ते जी, आप मेरे साथ दोस्ती कर लो, करोगे? नहीं, हम किसी इंसान से दोस्ती नहीं करते। फरिश्ते जी, आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। शेख चिल्ली, मैं चींटी की रूह निकालने आया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप मेरे घर चलो, रुखसाना खाती की चाय पिलवाऊंगा। ये मुझे अपने घर बुला रहा है, ये मुझसे क्या चाहता है? मैं इससे पूछ लेता हूँ। या फिर मेरे से दोस्ती कर लो, या फिर मेरे से वादा करो मेरे घर आओगे। अगर मैं तुझसे दोस्ती करूँगा, पता नहीं तू मेरे से क्या मांग ले। देखो, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा और ना कभी आपको परेशान करूंगा। फिर तू मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है? मैं आपसे दोस्ती इसलिए करना चाहता हूँ, जब मेरा खुदा के यहाँ से बुलावा आए, हर 5 साल पहले मुझे खत भेज दिया करो, लगातार 3 खत भेजो, ताकि मैं मरने से पहले मौत की तैयारी कर लूँ, और कुछ कब्र और खोदने वाले के लिए पैसे जोड़ लूँ, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है शेख चिल्ली, मैं तुझे हर 5 साल पहले 1 खत भेज दिया करूँगा। हाँ भाई जान, यही चाहिए, और 15 साल में मुझे 3 चिट्ठी भेज दियो, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। ठीक है शेख चिल्ली, तुम मुझे नेक आदमी लगते हो, आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती पक्की। वाकई मौत का फरिश्ता, बेटे की जान, अब मजा आ गया शेख चिल्ली, अब 15 साल तक तू किसे मरने वाला नहीं, 15 साल का एग्रीमेंट बढ़िया करगा दोस्त, अब मैं मौज से जीऊंगा, अब मैं कुछ भी करूंगा, किसी के साले का लपाटे मार दिया करूंगा, ये ठीक है। ओ शेख चिल्ली, जरा 1 मिनट सुनियो। क्या बात है भाई, बोल। शेख चिल्ली, दुआ सलाम भी भूल गया? दुआ सलाम करो, तू बहुत बड़ा गबन है, तू दुआ सलाम करो, मैं अपनी जिंदगी जी रहे। अबे बिल्कुल पागल ही है। पागल अपना काम करो, तू जा। मैं हमारे तो 15 साल का एग्रीमेंट हो रहा, हम कहेंगे पागल है यार, को तो मजे लेने अब। उबे मुर्गी, मजे लेता हूँ। चल दिया खंडाला। क्या पागलपन है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? क्या, अबे मैंने कहा छुटा लिया इसका। भाई देख लो इस बदतमीज को, कहता हूँ आँख मारूं। आई 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 आई, तू ऐसा नहीं मानना है। क्या कर दिया? आँख क्यों मार रहा है मेरी बहन की तरफ को? अच्छा तो तू ऐसा नहीं मानना है।
साले जा, मर तो मैं सकता नहीं 15 साल तक, सारी ड्रामा पूरा ही करूंगा। ये वह निकल जा, ठीक है अब देख भर के दिखाऊंगा सर पूरा ड्रामा पूरा करना। साली छोड़ के भागी, घर से भागी, देख अभी धमका रही है। ओबे और इस बार कहीं मुंह फंस जा साली, फांसी सच में मिल जा 15 साल से पहले एंड होल है। अरे फांसी भी दूसरे तरीके से लगाऊंगा, हाँ पेट पे लगाऊंगा फांसी पेट पे। ये ठीक रहेगा, अब दिखाता हूँ। अकड़ के दिखा रही, अकड़ के दिखा रही, साले अकड़ के दिखा रही। ये सर अंदर पेट लगा के लटकता हूँ, देख ऐसे लटकूंगा। शेख जी ये क्या कर रहे हो? शेख जी नहीं, शेख जी उठो, शेख जी देने वाला नहीं, वापी नहीं। शेख जी ये क्या कर रहे हो? मत करो शेख जी, मर जाने दे। नहीं शेख जी, अब मैं जाने दे, मुझे मर जाने दे। आप कुछ नहीं बोलूंगी, अब मुझे जा, मुझे सच नहीं बोलूंगी। जा नहीं शेख जी, नहीं शेख जी, नहीं नहीं शेख जी छोड़ो, यार खा ले 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 साली, मैं वाला तुझे मारूंगा, तुझे लटक दूंगा साली, फांसी लगा दूंगा, तेरा लगा दूंगा, छोड़ो शेख जी, तेरा गला घोट दूंगा। आ जेवड़ा ही प्रधान जी का, प्रधान कमरपाल का जेवड़ा ही। चल उसके घर ही चल रहे, पूछते पूछते तो जा ही लेंगे उसके घर, पूछ लेंगे किसी से। अरे भैया सुनियो, अरे उस एक चिल्ली का घर कहाँ को है? एक चिल्ली का घर? हाँ हाँ हाँ, वो रहा भाई एक चिल्ली का घर। ठीक है तू जा भाई, आज इसे मैं सबक सिखा दूँ। हाँ भाई हाँ, आज इसे लड़की छेड़ नहीं बता, मैं कुकर छेड़क रहे। इसे भर पेट मारना है भाई, इसने मुझसे बदतमीजी किया। हाँ यार यार हम तो इसलिए आए हैं कि तेरे मोहल्ले वालों को भी पता लग जाए कि तू कितना बदतमीज है। क्या आपके साथ बदतमीजी? शेख जी क्या कह रहे हैं ये लोग? तो पागल है, रुक जाना, पागलों के मुंह लगेगी। क्या हुआ भाईजान हमें बताओ? बताना क्या, मेरी तरफ भाग मार रहा था और मुझसे ये कह रहा था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगड़वा सकती। भैया जो कहना है मुझे कह लो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे, मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, पर इन्हें माफ कर दो। ठीक है जब तुम मेरी बहन जैसी हो तो इसे तो समझाओ खुरपा पाड़ को। और बहन जी ये रस्सी कैसे पड़ी है? रस्सी के बारे में तो यही बताएंगे। रस्सी की सुन लो, यहाँ हमारे घर में जो फालतू बोलता है साले को फांसी देके मारते हैं। मैं तो कुछ फालतू नहीं बोला भाईजान। नहीं तू तो मेरी लिस्ट से बाहर है, निकल ले भाई, चलो चल जल्दी चल, 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 चल लपेट दे हमें। आया बहन जी रस्सी क्यों पड़ी है, क्या कर रही है? और तू भी साले, गैर भैया बना ले, भैया बना ले सर। साले रिश्तेदार जोड़ रही है घर में, रोटी खाने को है नहीं, रिश्तेदार जोड़ ले, उधर भैया बना ले साले को, या खवा दे पराठे। रस्सी लाऊं? शेख जी चाय पी लो। वो चाय मंगा लाए। शेख जी तुम्हारे तो बाल भी सफेद हो गए। हो जाए तो हो जान दे सालों को, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो मेरे पास 15 साल है। 15 साल? वो बात तो कुछ नहीं समझेगी, छोटी छोटी बात तो कुछ नहीं रखा। शेख जी मुझे माफ कर दो। रुक जाना, तेरी गलती तो थी ही नहीं इसमें, माफ मुझे कर दे। नहीं नहीं मेरी गलती थी। कोई बात ना, चल छोड़, ठंडी चाय लाई, रुक जरा तू भी इतनी देर में। ठंडी ही? शेख जी आज तुम्हारी हिम्मत सी हो तो कुछ काम कर लो। हिम्मत से क्या, हिम्मत से तू ना बढ़ा दी। हाँ तू प्यार से कह रही तो हिम्मत भी हो जाएगी। ठीक है तू प्यार से कह रही तो काम मैं करूँगा। ठीक है शेख जी जाओ, ध्यान रखना अपना शेख जी। ध्यान रखूंगा, ध्यान तू भी रखियो, मैं दोबारा रोटी खाने आऊंगा। ठीक है, कितने अच्छे हैं मेरे शेख जी। या अल्लाह आज तो शेख जी को कोई काम दिलवाई देना।
यार भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ फिर निकल जाऊंगा। भाई साहब कैसे बैठे हो? बैठना क्या, थक गया था मैं, इसने सोचा बैठ जाऊं, तुम यहीं रहते हो। अजी कुछ ना, वैसे ही बैठ गया था, मुझे तो अपने घर जाना। घर जाना? भूख लगे रोटी खा लेना, अपने होटल है। तुम्हारा ही होटल है ये? तुम्हारे तो नौकर से मारे लग रहे हैं। हाँ मुझे पानी पीना था, नल कहाँ है? हाँ जाओ जाओ, वही है पीछे पीछे। ये सामान मैं अपने यहाँ रख जाऊँ? रख रहे तो तुम आराम जाओ, यहाँ तो कोई छू भी नहीं सकता इसे। बेफिक्र रहो, मैं बैठा हूँ यहाँ। तुम्हें पानी पी कर आता हूँ। हाँ पी लो जाके, वहाँ खूब आराम से पेट भर के पियो। बेटा तू पानी पी और मैं तो चला अपने घर, मेरी अच्छी ताल लग गई बेटा। अरे मेरा थैला, थैला कहाँ गया है? ये मुल्ला जी बैठे थे, वह मुल्ला जी कहाँ गए? मेरा थैला भी गायब, कहाँ गया? भाई साहब इधर आना, जरा इधर आना है, यहाँ भी नहीं है, नीचे नीचे भी नहीं है। भाई साहब तुम्हारा होटल का मालिक यहाँ मेरा डब्बा रखा था, वो ले गया। वह भाई मालिक तो हमें, हमें क्या पता कौन है, कहाँ गया वो, हमें क्या पता। मुझे तो रोटी खानी थी, रोटी खिला दोगे ना? चलो निकलो निकलो। गया। किसी ने नहीं देखा, लग गई ताल, बेटे देखता हूँ क्या क्या माल है इसमें। अबे रुखसाना कहाँ गई? मैं देखता हूँ कहाँ डिब्बा था, बेटे की जान है। मजे आ गए भैया, बेटे सोना चांदी के जेवर, बेटे मजा आ गया, शेख चिल्ली तेरा था, बेटे की जान है, बेटे। लेकिन शेख जी ये इतना सारा माल लाए कहाँ से हो तुम? मुझे क्या पता, मैं क्या जानू, अरे साले का छीन के भाग आया, अब तो धनवान हो गए रुखसाना, माला माल हो गए। शेख जी ये हराम की दौलत हम कितने दिन खा लेंगे, मेरा दिल मुझसे ये पूछ रहा है। और शेख जी जिंदगी का भी पता नहीं, दो पल की जिंदगी है, कब खत्म हो जाए। मुझे पता, मुझे पता, बहुत है जिंदगी बहुत है, तुझे क्या पता पगली, 15 साल का तो मेरा एग्रीमेंट ही है। शेख जी मैं इस दौलत को अपने घर में रखने वाली नहीं हूँ, जाओ उसे ढूंढो जिसकी है और उसे वापस देकर आओ। आराम से रहे, आराम से रहे, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, आसानी से दिया हूँ, वापिस दिया वापिस दिया, बहुत अकल बंद बन रही है। जब कर मैं अपना आप दियाऊंगा, तू शांत बैठ जा। या अल्लाह शेख जी को कहां से ये हराम का खाने की आदत पड़ गई जो इन्होंने ऐसा करा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नमाज पढ़ लेती हूँ।
इधर बैठता हूँ, आराम करके जब ढूंढूंगा। देना तो है ही। शेख चिल्ली यहाँ कैसे बैठा है? ओबे दोस्त, आप यहाँ? शेख चिल्ली, मैं तेरी रूह निकालने आया, तेरा टाइम पूरा हो गया है। एक बार सुनिए, तुम तक अरे खत पहुँचाया करूँगा, बस भूल गए, आज तक एक खत नहीं पहुँचाया और लेने को और आ गए मुझे। शेख चिल्ली, तू दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, तू अपनी जिम्मेदारी से भटक चुका है। तू अब भी नहीं संभला तो तुझे माफ करने वाला कोई नहीं। तो मैंने क्या किया? जब से तुझे दोस्त बनाया है, तूने तो अपना रवैया ही बदल दिया। क्या बदल दिया मैंने? तू हराम की दौलत खा के अल्लाह ताला की इबादत भी भूल चुका है, तू गुनेगार है। दोस्त, तुमने अपनी बात पूरी नहीं की, तुम झूठे हो। कैसे मैं झूठा हूँ? ना मैं झूठा हूँ और ना मैं रहूंगा। तुम कह रहे थे कि मैं 5 साल में खत लिखा करूँगा, खत लिखा, बोलो। अरे पागल, मैंने तो अपना वादा निभाया, तू ही खत ना पढ़ सका तो मैं क्या करूँ? दोस्त, मैं समझा नहीं, खत भेजा खत, मैं खत तो खत, तुमने एक पर्ची भी नहीं भेजी कभी। सुन, कब भेजा? जब तेरे सर के दो बाल सफेद हुए, वो मेरा पहला खत था। तू उसे ना पढ़ पाया तो मैं क्या करूं? क्या, ये खत था? दूसरा खत जब भेजा, जब तेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी। क्या ये खत होते? मैं तो समझा ही नहीं, मैं तो सोच रहा था कमजोरी आ गई, आंख सुंदर आ गई। अरे तूने तो इतने गुनाह कर लिए, तू बिना खत जाने की तैयारी कर ले। क्या फरिश्ते दोस्त। डरे मत, मैं तुझे समझाने आया हूँ दोस्ती के खातिर, अब जो तेरी बाकी जिंदगी बची है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे। दोस्त, मैं तो वाकई बहुत गुनाह कर दिए, अब क्या करूँ? अब तू ये कर, जिन लोगों से तूने बदतमीजी की है उन लोगों से माफी मांग ले, और जिनका माल छीना है उन लोगों का माल वापिस कर दे, और अल्लाह से तौबा कर ले। मगर वे लोग मुझे मिलेंगे कैसे और कहाँ मिलेंगे? मैं पहले ढूंढ ढूंढ कर थक लिया। शेख चिल्ली, तो तू अब सुन, अगर तेरी बीवी अल्लाह वाली ना होती तो तुझे माफ करने वाला कोई नहीं होता, और जिन्हें तू ढूंढ रहा है वो लोग तुझे अपने आप मिल जाएंगे। सही कह रहे हो दोस्त, मैं वाकई गुनाहगार हूँ, मैं अल्लाह ताला से आपके सामने तौबा करता हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। शेख चिल्ली, जो आदमी गुनाह करके अल्लाह से माफी मांग लेता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। जाओ, अपनी बाकी जिंदगी नेक काम में लगाओ। अबे, चला गया? अबे दोस्त अच्छी सलाह दे गया, पहले अलग भरंतुर बता गया, अब अलग राग बता गया। अब 15 साल तो मैंने उल्टे सीधे कर्मों में निकाल दिए, अब नेकी में निकालू? जी जा लिया बस, पूरी जिंदगी पूरी मजा, जी जा लिया जिंदगी। मैं तो दे दूंगा जिसके है, मैं तो गहने पहने दे दूंगा सब, मुझे ना चाहिए किसी की हराम की दौलत, मुझे रुखसाना पहले मना कर रही थी, तरकीब बता गया, मैं ऐसी तरकीब तो रुखसाने बतला रही थी। हम तो दोस्त की मान लेंगे, नेक काम करेंगे, या अल्लाह मिलवा दे उसे, उसका दे दूंगा वापस। ओ भाई एक से यार, इन सी गुनाहों की तौबा कर लूं। भाईजान, भाईजान मुझे माफ कर दो।
मिल जाएगा। हाँ जी भाईजान। मैं चैन से जी सकूंगा। कोई बात नहीं भाईजान, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, मेरा मौला तुम दोनों को खुश रखे। मैं जा रहा हूँ बहन, मैं जा रहा हूँ। भाईजान खाना तो खा लेते। और बस बहन, मेरा तो पेट भर गया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। भाईजान भाईजान मुझे माफ कर देना, फिर तो बहुत बड़ी भूल हो गई। भाईजान इनकी तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ आपसे। भाई मैंने आपको माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया, पर जिंदगी में कभी किसी के साथ दोबारा मत करना। हम आपसे वादा करते हैं कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। भाईजान हमें माफ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया। देखा शेख जी, तुम्हारे लालच ने किसी की जिंदगी तबाह कर दी। अल्लाह से तौबा करो और सब बुरे काम छोड़ दो। ऐसा ना, आज मस्जिद में जाके खुदा से कहूंगा कि मैंने जिन जिन को दुख पहुंचाए हैं, मेरे जीवन के सारे सुख उनकी झोली में डाल दे और उनके सारे गम मेरे हिस्से में दे दे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं गुनहगार हूँ रुखसाना, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। शेख जी तुम अब भी अच्छे काम करोगे और टाइम पर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, वो बड़ा रहीम है। रुखसाना मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अब मुझे हर गुनाह से बचा कर रख। भाईजान आपको भी बतला रहा हूँ, ऐसा गलत काम मत करना, कोई गुनाह मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। ठीक है ना भाईजान?